इस लॉकडाउन में काम करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों को एहसास हुई और वो सारी चीज़ें हम आप सभी को बताना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी का सफर जो है वो अकेले ही चलना है, किसी के साथ की हमें उम्मीद बहुत ही कम होती है। साथियों, ऐसी कुछ कहानियां जो लॉकडाउन के समय हम लोगों को अचंभित कर देने वाली थी वो हम आज आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। इस समय कई ऐसी बातें थी, कई ऐसी कहानियां थी, कई ऐसी चीजें थी जो हम लोग आप सभी को बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमें इन सारी चीजों को जानने की और इन सारी चीजों को समझने की। जिंदगी के सफर में कोई छोड़ करके चला जाए और घर में तीन बच्चे हों, कमाने वाला कोई रह ना जाए, तो ऐसे में क्या किया जाए? कोई कमाने वाला है नहीं, क्या भी का काम वाम है नहीं, तीन बच्चे क्या है, 12 साल की है, 8 साल का और 10 साल का। और ऊपर से ये पेंडेमिक, ये महामारी और ज़्यादा जकड़ लेती है हमको। क्या कितना कमा लेती है? 1500 महीने भर में 1500 रुपए। तो आज एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जो जिनके तीन बच्चे हैं और उनके घर में और कोई है नहीं, उनके जो हस्बैंड थे वो नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना वायरस जैसी चीज़ और सामने आई, तो उनके लिए कितना टफ चैलेंज रहा अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। कैसे इसके फादर भी कैसे दुख हो गए? कैंसर हो गया था, मुश्किल हो रही है बहुत। कहीं ना कहीं वो रोज अपने बच्चों की शक्ल देख के खुद घुटती है कि हम ऐसा क्या करते कि हमारे ये तीन बच्चे पल जाए। ऐसी ऐसी कहानियाँ हम लोगों के सामने आई, तो हम लोग ने उनकी ज़रूरतों को, उनकी चीज़ों को समझा, अपनाया और उनको पूरा करने की कोशिश की। अब हम लोग ये राशन देंगे तो कुछ तो मदद होगी। लॉकडाउन से पहले कई बार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पर डे 100 लोगों को खाना खिलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि हम लोग इनकी ज़रूरतों को पूरी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब ज़रूरतें सामने आ गई तो कहीं ना कहीं हमें वो काम करना पड़ा। और आज हम लोग 3 महीने से लगातार 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं और हम लोगों की सोच है कि हम लोग ये आगे भी 100 लोगों को खाना खिलाते रहें और जैसे ही आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो हम लोग आगे भी ये काम करते रहेंगे। अस्सी साल की एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम कमला है, हम लोगों की मुलाकात हुई उनसे। अपनी पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने कमाया और कमा के बस 4 दीवारें तो किसी तरह खड़ी कर दी, लेकिन एक छत नहीं डला पाए। उनके वहाँ ज़मीन तो है लेकिन कहीं ना कहीं छत नहीं है। आज उनके बच्चे, इतने जो बच्चे हैं उनके सब भिलक रहे हैं, एक इतनी मुसीबत में है वो लोग, क्योंकि ऐसा मौसम भी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है और उनके घर पर एक एक दाने की प्रॉब्लम है, एक एक खाने की समस्या है। जब बात कर रहे थे कि कोरोना में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से हिला दिया, हम लोग जब खाना बांटने जाते हैं हम लोग ग्लव्स भी लगाते हैं, मास्क भी लगाते हैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बच्चों के बीच में जाते हो, खाना लेके जाते हो और 3-3 दिन 4-4 दिन से जिन बच्चों ने खाना नहीं खाया होता है वो बच्चे आपके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर कूद जाते हैं। तो उस समय ना मास्क आपके काम आता है, ना आपके ग्लव्स काम आता है और ना कोई चीज़ें काम आती हैं। तो कई ऐसे सिचुएशन हुए जो हम लोगों ने इस दौरान हमने किया। पहले तो हमने वो वीडियो नहीं शेयर करी आप लोगों के बीच में, लेकिन अब हम चाहते हैं उस वीडियोज़ को हम लोग शेयर करें।
क्या कह रहे हो? हम अपने आप को जीरो बताने के लिए ये चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए शेयर कर रहे हैं, ये जो वक्त है ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कठिन था। डर से बड़ी है जरूर, और हमारे बच्चों को ज़रूरत है, और ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम लोगों को कहीं ना कहीं डर लगता है, जब तक निकलेंगे नहीं घर से बाहर और ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं अपने आप को जितना सेफ कर ले, नहा ले, सैनिटाइज कर ले, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा।